जल्द ही हो सकती है शक्ति अस्तित्व के एहसास की में रुबीना की एंट्री। क्या पोस्ट शेयर कर रुबीना ने दिया फैंस को एक हिंट? वल आखिर क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। इस समय टेलीविजन का सबसे हॉट टॉपिक ये है कि शक्ति अस्तित्व के एहसास की एक्ट्रेस रुबीना दिलैक जल्द ही शो में वापसी करने वाली हैं। जी हाँ, हाल ही में ऐसी खबरें हैं कि 4 साल बाद रुबीना शक्ति अस्तित्व के एहसास की में वापसी करने वाली हैं, जिसकी शूटिंग भी शायद शुरू हो गई है। वैसे आपको बता दें कि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रुबीना ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें रुबीना ने कानों में एक खूबसूरत इयररिंग पहनी हुई है। आपको बता दें, इस इयररिंग की खास बात ये है कि इसमें लक्ष्मी माँ की मूर्ति नजर आ रही है। वैसे ये जो लुक उन्होंने शेयर किया है, ये सौम्या के लुक के जैसा ही है। वहीं खबरों की माने तो रुबीना इस शो में कुछ समय के लिए ही आने वाली है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनके आने से शो की टीआरपी पर असर पड़े, और अगर ऐसा होता है तो उनके कैरेक्टर की स्टोरी लाइन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि इस शो में हरमन का किरदार निभा रहे एक्टर विवियन डेसेना ने साल 2019 में इस शो को अलविदा कह दिया था। वहीं खबरों की माने तो विवियन इस शो में पिता का किरदार नहीं निभाना चाहते थे। वहीं खबरें ये भी हैं कि हाल ही में मेकर्स ने उन्हें वापस लाने की कोशिश की थी, लेकिन ई टाइम्स के रिपोर्ट के हिसाब से वो शो में वापस नहीं आना चाहते। ई टाइम्स के एक सोर्स ने बताया, हमें नहीं पता कि ये रोल विवियन को एक्साइट क्यों नहीं किया। इसकी वजह शो में उन्हें मिल रहे पैसे भी नहीं थे, लेकिन अभी विवियन नहीं आ रही हैं। वही कहा जा रहा है कि विवियन ने जब इस शो में आने से मना कर दिया तो मेकर्स किसी ऐसे फेस को लाना चाहते थे जो फैंस के बीच काफी फेमस हो। ऐसे में मेकर्स को ये सजेशन मिला कि क्यों ना रुबीना दिलैक के कैरेक्टर सौम्या को शो में वापस लाया जाए। ये आइडिया मेकर्स को काफी पसंद आया। वहीं हाल ही में रुबीना ने एक और पोस्ट शेयर किया, जिसे उन्होंने कैप्शन करते हुए लिखा, री इन्वेंटिंग। वेल, इसके बाद देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रुबीना इस रोल को प्ले करती है या नहीं। क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। And also do like, share and subscribe to Telly Masala on Facebook, Instagram and YouTube.